अभी तक हम थीम्स की बात कर रहे हैं सो वी आर ऑन द थीम ऑफ थीम्स एंड चूंकि ये थीम को हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं सो वी वॉन्ट टू टीच यू कि आप थीम को कैसे फर्दर एड कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली थीम को एड करना क्यों जरूरी।, जरूरी है वी हैव डिस्कस दिस आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली समराइज इट फॉर यू कि थीम इसलिए जरूरी है बिकॉज पीपल आर विजुअल ह्यूम आर विजुअल लोग अच्छी तरह की वेबसाइट्स देखना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही जिस तरह लोग अच्छी तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं बिकॉज दैट इज वट अट्रैक्ट्स ऑडियंस अगर आपने एक सक्सेसफुल ऑन्टरप्रन्यर बनना है अगर आपने एक सक्सेसफुल फ्री बनना है या अगर आपने एक सक्सेसफुल स्मार्ट वर्कर बनना है तो यू मस्ट नो द एबिलिटी ऑन हाउ टू अट्रैक्ट ऑडियंसेज ऑन हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ऑन हाउ टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स और व्यूअर्स और वो आप कर सकते हैं यूजिंग WordPress साथ ही साथ मैंशन करता चलूँ कि हमारे वर्ड प्रेस uh, uh, का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डी जी स्किल्स के एल एम एस पे भी पूछ सकते हैं डी जी स्किल्स एल एम एस गिवस यू दी ऑपरचुनिटी टू आस्क क्वेश्चन गिव्स यू दर्चुनिटी टू ई मेल योर क्वेश्चन और गिवस यू दर्चुनिटी टू फोन आस एंड एक्चुअली आस्क योर क्वेश्चन लाइफ सो गोइंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एडिंग थीम्स हम थीम्स को ऐड कैसे कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली थीम्स एड करने का क्या फंक्शनैलिटी है सो यू आर एबल टू एड न्यू थीम्स टू योर वर्ड प्रेस साइट यूजिंग द वर्ड प्रेस डैशबोर्ड वर्ड प्रेस डैशबोर्ड पर आप लॉग इन करेंगे और वहाँ से आप थीम्स को ऐड कर सकते हैं सो so, आज से कुछ जमाने पहले आप वर्ड प्रेस की थीम्स को डायरेक्ट एफ़ टी पी या सी पैनल से भी अपलोड कर सकते थे आपको याद है एफ़ टी पी सी पैनल हमने पहले आपको इसके बारे में बताया था दीज आर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स या सी पैनल जो आपकी होस्टिंग में होता है उस पर आप अपनी फाइल अपलोड करते थे एंड वहाँ से यू कुड एड न्यू थीम्स ये पुराना तरीका था अब नए तरीका ये है कि आप वर्ड प्रेस के अंदर जाके यू गो टू द डैशबोर्ड वहाँ से यू क्लिक ऑन एड न्यू थीम एड न्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू ऑप्शंस टू इंस्टॉल और अपलोड अ थीम पहले जेन में याद रखिएगा कि एड न्यू थीम का बटन आपको कहाँ मिलेगा ये आपको थीम्स के अंदर भी मिलेगा और ये आपको साइड बार पे भी मिलेगा सो यू मस्ट नो वे टू फाइंड दिस बटन थ्रू विच यू कैन ऐड न्यू थीम दो तरीके हैं एक थीम को इंस्टॉल करने के या एक थीम को अपलोड करने के सो so, पहला तरीका ये कि आप एक थीम की जिप फाइल डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से यू विल लुक फॉर द बेस्ट फ्री थीम दैट इज अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड प्रेसिटरी एंड वहां से यू विल बी एबल टू डाउनलोड अ अप फाइल फॉर दैट थीम उस जिप फाइल को आप अपलोड करेंगे अगर अपने सर्वर पे तो यू विल बी एबल टू इंस्टॉल दैट थीम बट दिस इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स द मोर एफिशिएंट वे इज कि आप अपनी वर्डप्रेस um, अपीयरेंस की जो एक सेक्शन है वहाँ जाएँ और डायरेक्टली वहाँ पर थीम को सर्च करें एंड इंस्टॉल का बटन दबाएँ और उस थीम को वहाँ से ही आप एक्टिवेट करें सो दिस इज़ द अदर ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल टू यू सो दोबारा दोहराता चलूँ कि एक आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप एड न्यू थीम्स में जाएँ और उस थीम की जिप फाइल को वहाँ पर अपलोड कर दें जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है आ, साथ ही स्क्रीन में कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर वेज न अपलोड यूर थीम द अदर वे इज सिंपली कि आप इंस्टॉल के सेक्शन में जाके एड न्यू थीम पर जाके यू कैन जस्ट सर्च फॉर थीम्स एंड इंस्टॉल जहन में रखिएगा कि यू डू नॉट वॉन्ट टू इंस्टॉल लॉड ऑफ थीम्स देखें थीम्स आर इन हंड्रेड एंड मिलियंस बट आप ये नहीं करना चाह रहे कि आप कोई एक सौ थीम्स अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर दें बिकॉज एवरी थीम दैट यू एड ब्रिंग्स अ सिक्योरिटी रिस्क अगर थीम्स आर नॉट अपडेटेड टू द लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स तो थीम्स में सिक्योरिटी हैजर्ड्स भी हो सकते हैं मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि एक वक्त में आप पाँच या आठ से ज़्यादा थीम्स अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल ना रखें इफ़ यू डोंट अपडेट दोज थीम्स तो आपकी थीम्स आपकी साइट के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क भी क्रिएट कर सकती हैं एंड यू डोंट वॉन्ट कि आपकी साइट हैक हो जाए सो so, और साथ साथ आपकी थीम्स जो हैं वो स्टोरेज स्पेस भी लेती हैं सो कीप ऑल पॉइंट्स इन माइंड वाइल आर अपलोडिंग योर थीम्स एंड एडिंग न्यू थीम्स सो नाउ इज द टाइम के हम मिलके नई थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे अपलोड करेंगे लेट्स ट्राई एडिंग न्यू थीम्स सो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आप साइट पे जाके वर्डप्रेस की कैसे एक नई थीम की जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं सो वील गो टू गूगल और हम वर्ड की एक थीम को डाउनलोड करना सीखेंगे आई लुक फॉर वर्ड थीम्स आई गो टू द वर्डप्रेस थीम रिपोजिटरी और यहां पे आई लुक फॉर सम ऑफ द पॉपुलर थीम्स तो पॉपुलर थीम्स में मेरे पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं

और जैसे ही मैं डाउनलोड का बटन दबाऊंगा तो आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि फाइल डाउनलोड हो रही है सो एज सून एज द फाइल डाउनलोड्स रिमेंबर कि आपने इस फाइल को अनजिप नहीं करना यू डू नॉट हैव टू अनजिप दिस फाइल यू कैन कीप दिस फाइल एज इट इज इन द जिप फॉर्मैट बिकॉज वी आर गोइंग टू बी अपलोडिंग दिस फाइल टू इंस्टॉल दिस थींग सो मैं जाऊंगा अब अपनी वर्ड की साइट पे एंड आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन सो आई विल गो टू द डैशबोर्ड डैशबोर्ड पे जाके आई गो टू थीम्स आई क्लिक ऑन एड न्यू एड न्यू पे क्लिक करके ही मुझे वहां पे एक बटन नजर आ रहा है कॉल्ड अपलोड अ थीम सो अपलोड अ थीम में आई हैव टू ऑप्शंस नाउ या तो मैं इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पे फाइल कर सकता हूं या आई कैन सिंपली अपलोड इट बाय सेलेक्टिंग द फाइल सो आई ट्राई टू सिलेक्ट द फाइल टेड के नाम से आप देख रहे हैं कि जो मैंने थीम डाउनलोड की थी वो यहाँ पे अवेलेबल है आई क्लिक ऑन ओपन यहाँ पे थीम का नाम भी मुझे नजर आ गया आई क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लोडिंग बार आपको शो हो रहा है जो दिखा रहा है कि थीम इज बींग अपलोडेड सेवनटीन परसेंट एटीन परसेंट एंड वाइल दिस टेक सम टाइम टू अपलोड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन आइडिया यहाँ पे हो क्या रहा है सो वट रियली इज हैपनिंग इज के

बट कीप इन माइंड कि लाइव प्रीव्यू इज नॉट द एक्चुअल वे जिस तरह साइट लग रही सो अगर मैं अपनी साइट को खोलूं इट विल स्टिल लुक द ओल्ड बिकॉज आई हैव नॉट इनेबल्ड द थीम और आई हैव नॉट पब्लिश द थीम मैंने थीम अभी अपनी साइट पे एक्टिवेट नहीं की सो दिस इज अ प्रीव्यू आई लाइक द प्रीव्यू मुझे थीम बड़ी अच्छी लग रही है सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो क्लिक ऑन एक्टिवेट एंड पब्लिश मैंने क्लिक किया एक्टिवेट और पब्लिश पे एंड थीम इज लाइव मैं आपको लाइव अपनी साइट पे ये थीम दिखाना चाहूंगा सो नाउट एक्टिवेटेड एंड ट्राई टू इंस्टॉल थीम दी अदर वे जिसमें हम यहां से क्लिक करते हैं एंड वील लुक फॉर समर थीम्स एंड वील ट्राई टू इंस्टॉल देम मुझे ये थीम बहुत अच्छी लग रही है सो so, इसमें और पुराने मेथड में फ़र्क ये कि के इस केस में द थीम इज बींग डायरेक्टली अपलोडेड फ्रॉम द सर्वर मेरे पीसी पे उसको आने की ज़रूरत नहीं है एंड इट्स बीइंग मैं उसको एक्टिवेट कर रहा हूँ जैसी मैं एक्टिवेट करूंगा मैं जाके देखूंगा कि मेरी फ्रंट साइट कैसे चेंज हुई है सो लुक एट द थीमेटिक वे देखें मेरी साइट हैज चेंज द थीम हैज़ चेंज सो इस लेसन में हमने सीखा कि कैसे हम थीम्स को ऐड कर सकते हैं टू वेज वन इज थ्रू द जिप फाइल वन इज थ्रू द वर्ड प्रेस रिपोजिटरी सो थीम्स को ऐड करें एंड स्टे कनेक्टेड एज वी टीच यू मोर ऑन हाउ टू यूज थीम्स एंड अदर फीचर्स ऑफ वर्ड प्रेस